सर, आज ईद के मौके पे आप यहाँ पे मौजूद थे, ईद की नमाज अदा की गई, क्या कहेंगे, क्या मुबारकबाद देंगे? सबसे पहले तो शहर के हमारे सभी जो सिटीजन्स हैं सभी को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज शहर की सभी जो बड़ी ईदगाहें थी, छोटी बड़ी, छावनी ईदगाह हो या रोज़े बाग हो, शाह शोकता, उस्मानपुरा, सभी जगह बड़ी संख्या में हमारे मुसलमान भाई ईद की नमाज़ अदा करने के लिए आए थे। बहुत ही अच्छे वातावरण में शांति से सारी नमाज अदा हुई है और सभी मेरे जो शहर के सिटीजन्स हैं उनको मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। आज अक्षय तृतीया का भी त्यौहार है, तो सभी हिंदू भाइयों को भी मैं अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मेरी सभी से यही अपील हमेशा रहती है और अब भी यही अपील है कि हम लोग शहर में सब एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना या अफवाह फैलाना या कोई भी प्रकार का आपस में क्लेश करना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो सब मिलजुल कर रहें, शांति से रहें, खुशहाली से रहें और शहर और यहाँ के सभी बाशिंदे तरक्की करें, यही मेरी ओर से सभी को अपील है। और एक बार फिर से सभी को बहुत 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 मुबारक। सर, किरारपुरी में जो एक घटना घटी थी, वहाँ के काफ़ी बच्चे अरेस्ट हुए थे, वहाँ के माता पिताओं को आपसे बड़ी अपेक्षा है कि आपके साथ न्याय करेंगे। उनका कहना है कि दोषियों को कड़ी सज़ा मिले लेकिन जो बेकसूर को इंसाफ भी मिले, आपसे बड़ी उम्मीद है सर आपसे। मैंने पहले भी कहा था और अब भी मैं यही बात दोहराना चाहता हूँ कि कोई भी बेगुनाह को तकलीफ़ नहीं होगी, ऐसी हमारी पहले दिन से कोशिश है और पूरी छानबीन के बाद ही जो लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है वो सारे जो एविडेंस थे, सबूत थे, उनको देखने के बाद, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो या मोबाइल लोकेशन हो या बाकी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा कोई पाया जाता है कि कोई सचमुच बेगुनाह है तो उस पर ज़रूर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमारे जो हैं वो ज़रूर गौर करेंगे। किसी भी व्यक्ति पर जो बेगुनाह है उस पर कोई अन्याय नहीं होगा। सर, एक आखिरी सवाल, रामनवमी का त्यौहार पूरे देश भारत देश में बड़े उत्साह के साथ आदर के साथ मनाया जाता है और इत्तेफाक से ईद का त्यौहार ही बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, वो आपका रामनवमी का जो घटनाक्रम को वो पल एक दहलाने वाला आज का पल कैसा महसूस करते सर आप? देखिए, हम मुझे लगता है मैं आप हम सभी वही एक दौर से गुजरे हैं कि लगा था कि शहर में शायद वातावरण बहुत बड़े पैमाने पे ख़राब होगा, लेकिन आप सभी के सारे जो हमारे सिटीजन्स हैं, सारे लोक प्रतिनिधि हैं, मीडिया, सभी के सहयोग से, कोऑपरेशन से वो जो भी वाकया था वो उतने एरिया में ही कन्फाइन हो गया, बाकी जगह शहर में वो फैला नहीं और अगले दिन रामनवमी की सारी प्रोसेशंस शांति से निकली। आज उसके बाद करीब 3 हफ्ते के बाद आज पूरे शहर में रमज़ान ईद बहुत ही शांति से आज सभी ने अदा करी है, तो एक अच्छी बात है कि शहर इस बात को समझता है कि अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, समाज कंटक है, अगर वो कोई गड़बड़ करते हैं तो उसको आगे नहीं बढ़ाना है, बिकॉज हमारे शहर के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए है कि ऐसी चीज़ें अगर होती भी हैं तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म करके अपनी वापस जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें लौटा जाए। तो शहर के सभी जो हमारे सिटीजन्स हैं सभी को मैं एक बार धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही भाईचारा और शांति का माहौल आगे भी बना रहे। थैंक यू सर। ईद मुबारकबाद दे दीजिए। मैं अपनी तरफ से तमाम शहर वालों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, हर कौम को, हर मज़हब को, हर बच्चों को, और साथ ही साथ कहता हूँ कि अगर आज हम फिर कहें कि हमारे बच्चों को तालीम दे, दीनी दुनियावी तालीम दे बच्चों को, जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, और अफवाहों पे ख्याल ना दे। आज अगर कभी जैसा हम पुलिस पे भरोसा करते हैं तो उन्होंने भी हम पे भरोसा करना चाहिए कि हम कैसे रहते हैं। तो दोनों हाथ से ताली बजती है, तो मैं कहूँगा लोगों को कि अपन तालीम पे तवज्जो दें और हमारे सबके तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ओके, अब सर भाई दो शब आप ईद मुबारकबाद आपकी तरफ से। सभी शहरान औरंगाबाद के नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों को
मेरी जानिब से ईद मुबारक, मेरे परिवार की जानिब से ईद मुबारक। जैसे अभी हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा कि बेगुनाह जितने भी हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके, इससे पहले भी पुलिस कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली पूरे डिपार्टमेंट की, मैंने इससे पहले भी बताया आप लोगों को कि बेगुनाह पे अन्याय नहीं होगा। सर बहुत अच्छे हैं, सर सबको साथ में लेके चलते हैं, सर सब समझते हैं और गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा और बेगुनाह को सर बिल्कुल कार्रवाई नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करके सर ने हमें परसों भी वली रशीद मामू को हमको बोला है पुलिस स्टेशन में, तो सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बेगुनाह पे कार्रवाई नहीं होंगी। मैं उनका दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।